हेलो एवरीवन, कल वीडियो नहीं आ पाई भैया आपकी फील्ड एक्सटेंशन की, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो चलिए आपकी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपकी नेक्स्ट थ्योरम कि इफ़ एल इज एलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सटेंशन की मैं डेफिनेशन पहले की क्लियर कर चुकी हूँ कि इसके हर एलिमेंट क्या होंगे, एलजेब्रिक होंगे ओवर के। और अगर के एफ के अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो एल किसकी एक्सटेंशन होगी, एफ की। तो ये देखना ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ए जो है वो बी में बिलोंग करता है, बी सी में, तो जो अपना ए है वो किस में जाएगा, ए किस में जाएगा, सी में। ठीक है, यहाँ ए की जगह काम कर रहा है एल, बी की जगह काम कर रहा है के और सी की जगह काम कर रहा है एफ। ठीक है, तो आप मेरे को बताना है कौन से लो लगा है। ऑप्शन है आपके पास, एसोसिएटिव लो लगा हुआ है, होमवर्क है आपका ये, कमेंट करके बताना। कम्यूटेटिव लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा हुआ है, सारे लगे हुए हैं, या एक भी नहीं लगा हुआ है, या फिर इनमें से कोई अदर लगा है तो वो बताना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर ए बी में जाता है, बी सी में जाता है, तो ए बी सी में जाएगा, किस रूल से जाएगा, ये आप मेरे को बताना। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, प्रूफ देखिए, क्योंकि एल एलजेब्रिक एक्सटेंशन है आपकी के की। क्या है, एल एलजेब्रिक एक्सटेंशन है के की, मैंने वही लिखा। तो एल एलजेब्रिक एक्सटेंशन है के की, इसका मतलब क्या होता है कि इससे तो एलिमेंट मिलेगा एल से तो कोई, और वो एलजेब्रिक होगा किसके ऊपर, ओवर के। यही डेफिनेशन होती है एलजेब्रिक एक्सटेंशन की। तो क्या होगा, एल से तो एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए ए बिलोंग्स टू एल, देन दिस सेटिस्फाई अ पॉलीनोमियल ओवर के की। किसको सेटिस्फाई करेगा, पॉलीनोमियल ओवर के। मान लीजिए वो पॉलीनोमियल है कुछ इस टाइप का, ए एन ए की पावर एन प्लस अल्फा वन ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन से स्टार्ट करेंगे, ये टर्म डिक्रीज होती जाएंगी, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन माइनस वन अल्फा है, यानी कि ए वाली जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज होती चली जाएंगी और अल्फा वाली जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये जो डिक्रीज होगी वो एन अप टू वन तक जाएगी। ठीक है, और ये जो डिक्रीज होगी जीरो भी जाएगी, तो जब ए की पावर जीरो करोगे तो वो वन आएगी, वो लिखने की जरूरत है नहीं अल्फा एन के साथ। तो ये वाली जो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अल्फा वन टू अप टू अल्फा एन। ठीक है, जहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू ये सब ओवर के का मतलब क्या होता है कि स्केलर सारे के से उठेंगे और एन की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी। ठीक है, ये तो हमने सिंपली एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के डेफिनेशन से लिख दिया। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट होता है कि हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीजें अपनी तरफ से अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हमने अज्यूम किया है एक तो कि एफ नॉट की वैल्यू एफ है, दूसरा मैंने अज्यूम किया है कि एफ आई जो है एफ आई माइनस वन अल्फा आई के बराबर है। देखो क्या अज्यूम किया, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये पन समझ में आया तो थ्योरम समझ में आ जाएगी। क्या कह रही हूँ मैं, देखना ध्यान से, मैं कह रही हूँ कि एफ नॉट की वैल्यू तो एफ के बराबर है और एफ आई की वैल्यू किसके बराबर है, एफ आई माइनस वन अल्फा आई के बराबर। इसमें देखो अल्फा की एफ की आई की वैल्यू वन पुट करो, आई की वैल्यू कहाँ से है, वन से एन तक खोलो इसको। जब एफ की वैल्यू आप वन पुट करोगे तो यहाँ वन माइनस वन क्या जाएगा, जीरो। ठीक है, और अल्फा वन यानी कि अल्फा, उसके बाद आप एफ टू पुट करो तो यहाँ क्या आएगा, टू माइनस वन वन, और यहाँ क्या बचेगा, अल्फा टू। ठीक है, अब देखो एफ वन, अब एफ वन की वैल्यू आपके पास फिर से है, एफ वन की वैल्यू क्या है, ये है एफ नॉट अल्फा, इसमें वैल्यू उठा के रखो एफ नॉट अल्फा, और ये अल्फा टू स्केलर है सारे, तो मान लीजिए कि कोई स्केलर अल्फा ही है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, एफ नॉट ऑफ अल्फा अल्फा। ठीक है, ऐसे ही आप एफ थ्री के लिए लेके चलो, जब आप एफ थ्री करोगे तो यहाँ क्या होगा, देखो एफ थ्री आएगा, इधर क्या आएगा, एफ टू अल्फा। ठीक है, एफ टू अल्फा करोगे, फिर एफ टू की वैल्यू रखोगे, एफ टू की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो एफ नॉट अल्फा अल्फा और ये एक अल्फा, तो ये तीन अल्फा अल्फा अल्फा, यानी कि
कहीं ना कहीं हर चीज क्या आ रही है, एफ नोट और एफ में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं देखना कैसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो सारे अल्फा ही हैं ये एल्जेब्रिक ओवर के, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ये कि के एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, तो इससे तो एलिमेंट उठेंगे के से, और वो एल्जेब्रिक होंगे ओवर एफ, ठीक है। तो इस चीज का यूज किया है कि जितने भी अल्फा आई है वो मैं उठा रही हूँ, वो सब किसमें है, एल्जेब्रिक है ओवर एफ। तो मैंने लिखा है कि अल्फा आई इज ऑल्सो एल्जेब्रिक ओवर एफ आई माइनस वन, क्यों, कि अगर एफ पे है, मैं कह रही हूँ अगर एफ पे है तो एफ आई माइनस वन पे भी होंगे, क्यों, देखिए हम आज होंगे ऐसे करके चले, एफ पे है, एफ पे है तो एफ नॉट पे होगा, एफ नॉट पे है तो एफ आई माइनस वन, ये जो कम आ रही है वैल्यू देखिए, यहाँ टू ये वन, ये एफ आई माइनस वन की वैल्यू है ना, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर अल्फा आई एल्जेब्रिक है ओवर एफ, ये मैंने एक्सपेंड करके दिखा दिया, क्योंकि इसकी हर वैल्यू एफ नॉट की टर्म में आ रही है, और एफ नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, एफ के, ठीक है। तो अगर एफ के है तो एफ नॉट के होगी, और एफ नॉट के है तो एफ आई माइनस वन के होगी, ठीक है। यहाँ तक ये लाइनें समझ में आई होंगी कैसे क्या लिखी है, बस यहाँ पे ये थोड़ी ये चीज याद रखना कि एफ नॉट की वैल्यू एफ और एफ आई की वैल्यू एफ आई माइनस वन अल्फा आई, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे होता है, अब यहाँ से देखो क्या दिख रहा है कि f कंटेंट करेगा एफ आई माइनस वन में, और एफ आई माइनस वन किस में कंटेंट करेगा, k में, ठीक है। बराबर अजम्पशन हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि f पूरा कंटेंट कर रहा है एफ आई माइनस वन में, और कैसे कर रहा है वो आपको अभी अभी दिखा दिया, f की वैल्यू एफ नोट या अभी अभी जो ओपन किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे एफ आई माइनस वन अल्फा आई, ये जो मैंने अभी अभी ओपन किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्या हो गया, ओपन होगा, और ये चीज दिख रही है हमें साफ साफ कि ये चीज क्या होगी, फॉलो होगी। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ से, कि अगर ये चीज इसमें कंटेंट करती है, कि इसमें कंटेंट करती है, तो क्या होगा, जो एफ आई माइनस वन एल्फा आई की जो वैल्यू होगी, यानी कि एफ आई माइनस वन एल्फा आई की डिग्री एफ आई माइनस वन पे, वो किससे छोटी होगी, एफ एल्फा आई की एफ पे डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि अब ये चीज इसमें कंटेंट कर रही है, तो एफ आई माइनस वन की एफ आई माइनस वन पे डिग्री किससे छोटी होगी, एफ एल्फा आई की एफ पे डिग्री। अब ये देखो, ये आप अज्यूम करके चले, एफ आई की वैल्यू किसके बराबर है, एफ आई माइनस वन एल्फा आई के, तो ये चीज यहाँ से क्या किया, पुट कर दी एफ आई माइनस वन एल्फा आई की वैल्यू एफ आई पुट कर दी ये, ठीक है। और एफ आई माइनस वन एज इट इज लेस देन और इक्वल टू एफ आई माइनस वन एल्फा आई, ये देखिए ये चीज हमें पता है, ये क्योंकि एल एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है अपनी किसकी, के की, ठीक है, और एल एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, नहीं के एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है एफ की, हमें दिखाना क्या है एल एफ की। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जब एल के की और के एफ की, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एफ एल्फा आई की एफ पे डिग्री क्या आ गई, फाइनाइट। जब ये फाइनाइट, तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, फाइनाइट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई टर्म हम उससे अगर कम लेते जा रहे हैं तो वो सारी डिग्री कम होंगी। मैंने जनरल केस लिया एफ एन से एफ, मैंने क्या किया, एक एक कम किया, जैसे यहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस वन लिया, फिर यहाँ एन माइनस वन तो यहाँ एन माइनस टू, ऐसे यहाँ वन तो वन माइनस वन जीरो, यानी कि एफ लिया। तो ये देखिए ये सब अगर ये चीज फॉलो कर, ये सब ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू एन है, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू एन माइनस वन है, यहाँ पे वन है, तो ये सारे पेयर क्या हो जाएंगे, फाइनाइट बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहाँ से क्या होगा, एफ एन की एफ पे डिग्री मेरी क्या हो गई, फाइनाइट। अब देखिए जब डिग्री फाइनाइट होगी तो जितने भी स्केलर आप लेके चले थे वो किस में बिलोंग करेंगे, एफ एन में, ठीक है, और एल्जेब्रिक और किसके ऊपर होंगे, ओवर एफ होंगे, यही तो फाइनाइट की डेफिनेशन कहती है, सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है, ठीक है, भूल गए हो तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को फिर से देख के आना।
ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एल्फा आई एफ एन में बिलोंग कर गया, आई की वैल्यू 1 to n, तो एल्फा आई अगर इसमें बिलोंग कर गया, लेकिन आप एल्फा आई को सबसे स्टार्टिंग में देखिए, जब आपने पॉलिनोमियल बनाया था ए एन वाला अप टू एल्फा एन इज इक्वल टू 0, इसको 1 नाम दिया था, तो इसमें क्या लेके चले थे आप सारे एल्फा जो है वो आपके किस में बिलोंग करते थे, एल अलजेब्रिक एक्सटेंशन थे के, तो किस में बिलोंग कर रहे थे के में, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद एल्फा को बिलोंग कराया एफ में, और अब फाइनली एल्फा बिलोंग कर गया एफ एन में, ठीक है। जब ये इसमें बिलोंग करता है तो कोई एलिमेंट मिलेगा ए जो कि सेटिस्फाई करेगा एक पॉलिनोमियल जिस जो कि होगा ओवर एफ एन, तो ए एल्जेब्रिक होगा ओवर एफ एन, एल्जेब्रिक की डेफिनेशन यही तो कहती है कि इससे कोई एलिमेंट उठेगा जो कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा ओवर एन, तो यहाँ से एल्जेब्रिक हो गया। अभी अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम, इससे पहला जो लेक्चर अपलोड किया है वो क्या था कि अगर ए एल्जेब्रिक है ओवर एफ, तो एफ एन की एफ पे डिग्री क्या होगी, फाइनाइट, यही अभी अभी अपलोड किया था ये, तो वही है कि अगर ए एल्जेब्रिक है ओवर एफ एन, तो एफ एन ए की एफ एन पे डिग्री क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो थ्योरम पकड़ में आ गई है, अब थ्योरम में कुछ नहीं बचा है। अब देखो, अब देखिए, अगर एल को एल्जेब्रिक एक्सटेंशन दिखाना है हमें एफ की, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि एफ एन ए की एफ पे डिग्री क्या होगी, फाइनाइट, हमारे पास ये चाहिए। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, एफ एन ए को एक इसके अंदर बीच में क्या ले लिया, कोई एफ एन, ठीक है, तो मैंने कैसे लिया कि एफ एन ए की एफ एन पे डिग्री और एफ एन की एफ पे डिग्री, ठीक है, ये देखिए ये प्रूव कर रखा अभी अभी, और उसके अलावा एफ एन की एफ जनरल केस कैसे यूज किया था वो, कि एफ एन की जो एफ पे डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया था, ऐसे नहीं लिया था एफ एन की एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन की एफ एन माइनस टू, और ऐसे ही अप टू एफ एन की सॉरी एफ वन की एफ, ठीक है, ये सारे फाइनाइट थे तो ये फाइनाइट हो गया था। तो अब अपने पास देखिए, ये भी फाइनाइट ये भी फाइनाइट, तो ये जो टर्म है ये फाइनाइट हो गई, हेंस एफ एन ए जो से हो जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो गई एफ की, तो जो एलिमेंट होगा वो एल्जेब्रिक होगा ओवर एफ, ठीक है, क्योंकि ए बिलोंग करता है एफ एन ए में, तो ए एल्जेब्रिक हो गया ओवर एफ, तो एल एक मेरी क्या बन गई, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बन गई एफ की। कुछ था थ्योरम में, कुछ नहीं था। देखिए सबसे पहले तो क्या था कि गिवन था एल जो है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है अपने पास के की, सिंपली यही यूज किया, इससे एक एलिमेंट उठाया और यहाँ से एक पॉलिनोमियल बढ़ा दी, ठीक है, ये वाली अप टू अल्फा एन इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या किया, ये पॉलिनोमियल बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया कि वो सारे जो स्केलर होंगे ये जो है वो के में बिलोंग करेंगे, उसके बाद क्या किया, दो चीजें अज्यूम की, एक तो एफ नोट की वैल्यू एफ के बराबर, दूसरा मैंने अज्यूम किया एफ आई माइनस वन एल्फा आई की वैल्यू एफ आई के बराबर। सिंपली मैंने देखा कि अगर एल्फा आई मेरा एल्जेब्रिक है ओवर एफ, तो एल्फा आई मेरा एल्जेब्रिक हो रहा था एफ आई माइनस वन पे भी। फिर मैंने एक चीज यहाँ से एक और अज्यूम किया कि जो एफ है मेरा वो कंटेंट कर रहा है एफ आई माइनस वन में, और ये कंटेंट कर रहा है के में। फिर क्या था, बस यही तो चीज चाहिए थी, ये मिलते ही तो सिंपली हमने क्या किया, ओपन करते चले गए, इसमें क्या किया, एफ आई माइनस वन की एफ एल्फा आई की एफ आई माइनस वन पे डिग्री, और यहाँ से एफ एल्फा आई की और इस पे एफ पे डिग्री, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे एजम्पशन से हमने क्या मानी एफ आई, तो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड फाइनाइट, तो हम प्रूव करके लेके आ गए कि एफ एल्फा आई की एफ पे डिग्री मेरी क्या आ गई, फाइनाइट। बस अब ये जब फाइनाइट आ गई तो उसके बाद क्या था, कुछ नहीं था, आगे बढ़े, हमने जनरल केस ले लिया ऐसे, इसको फाइनाइट दिखा दिया, जनरल केस फाइनाइट, तो उसको फिर सिंपली ब्रेक डाउन किया, तो एफ एन ए की एफ पे डिग्री फाइनाइट आ गई, इसको ये चाहिए थी, इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया और ये एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो गई एफ की, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।